subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, तो आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं CVS फार्माकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं हमारे GPAT के लिए या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, उसके बारे में अप्रॉक्सीमेटली 35 से ऊपर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. उसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या किन पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो इफ यू वांट टू वॉच माई वीडियोस रिगार्डिंग द GPAT MCQs एंड रीजन सीरीज, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक. इसके अलावा आप MCQs या नोट्स के लिए आप वेबसाइट www.pharmacyconsciousness.in विजिट कर सकते हैं. सो लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक. सो कार्डियोवेस्कुलर फार्माकोलॉजी, बात करें हम CVS सिस्टम की, तो इसमें बहुत सारे जो ड्रग्स हैं या बहुत सारे जो फिजियोलॉजी हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. चाहे बात करें हम लोग हाइपरटेंशन की, एंजाइना की, अरिथमिया की या CHF की, ये इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा आपका शॉक है, इसके अलावा आपका हाइपरलिपिडिमिया भी इसमें ही इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा डायबिटिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स एंड हीमोसेटिक एजेंट्स दोनों भी या एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो सारे से हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पैटर्न जो हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं. सो आप आई होप आपने पुराने वीडियोस से जो बेसिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रीजन के वो आपने रीजन कर चुके होंगे या देख चुके होंगे. तो आज चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको मालूम हो सके कि आप किस लेवल पे हैं और किस तरीके से अपनी तैयारी को इन्हेंस करना है. सो क्वेश्चन वन क्या है, द वेस्कुलर मसल्स रिलैक्स्ड बाई, मतलब आपका जो वेस्कुलर मसल्स हैं या स्मूथ मसल सेल्स हैं वो किन पाथवे के थ्रू रिलैक्स होते हैं. इसमें से आप एक से ज़्यादा भी आंसर टिक कर सकते हैं. हो सकता है कि दो पाथवे से रिलैक्स हो, ठीक है. तो जो पहला है वो हमारा है IP3 कैल्शियम सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है. इसको आप देखिए तो क्या इससे होता है, ठीक. तो आप सोचिएगा होता है या नहीं होता है, है ना. तो शायद इससे नहीं होता है. सेकेंड है रो काइनेज एक्टिवेशन, जो कि हमारा GQPCR के थ्रू होता है. ये भी आपका GPQCR के थ्रू होता है, और GPQCR के थ्रू जो एक्टिवेशन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ना कि लैक्स होगा. साइक्लिक MP एक्टिवेशन, जो कि GSPCR से एक्टिवेट होते हैं साइक्लिक MP, तो ये आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि इससे भी आपका जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वो रिलैक्स होंगे. अपोजिट कार्डियक या बात करें स्केलेटल की, तो वो कॉन्टैक्ट होंगे साइक्लिक MP से, लेकिन स्मूथ मसल सेल्स रिलैक्स होते हैं, मैंने कई बार क्लास में बोला है. नेक्स्ट हमारा है नाइट्रिक ऑक्साइड साइक्लिक GMP पाथवे. नाइट्रिक ऑक्साइड खुद भी एक क्या है, इंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर्स हैं, तो इससे भी आपका रिलैक्स होता है. नेक्स्ट हमारा क्या है, MLC के एक्टिवेशन, जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है वो एक्टिवेट होगा तो कॉन्टैक्ट होगा, ना कि रिलैक्स होगा. तो आपका आंसर CD होगा, ठीक है. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. इसके अलावा MLCP एक्टिवेशन, तो MLCP MLC के अपोजिट है ना, तो आपका जो आंसर ये भी होगा. तो इसमें तीन पाथवेज हैं, साइक्लिक MP, नाइट्रिक ऑक्साइड और MLCP, ये आपके क्या हैं, रिलैक्सेंट हैं, और ये जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन वाले हैं. तो याद रखिए कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है और रिलैक्सेशन भी हो सकता है, जो जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है. तो इस तरीके से आपका एक MCQ के साथ में बहुत सारे जो MCQs बन सकते हैं वो कवर हो चुके हैं आपके स्मूथ मसल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन को लेकर. चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, नंबर यहाँ उल्टा हो गया, टू है ये. चलिए टू क्या है, दीज ड्रग्स रिड्यूस द ब्लड प्रेशर बाई सेंट्रली एक्टिंग ड्रग कौन से हैं. तो जाहिर सी बात है लेफ्ट डबल क्या है हमारा, अल्फा बीटा ब्लॉकर है. टोंडिन क्या है, अल्फा 2 एगोनिस्ट है. नलरपिल क्या है, आपका एस इनहिबिटर है. निफ्रिपिन क्या है, वेसो सेलेक्टिव डाइहाइड्रोपिडिन्स डेरिवेटिव ऑफ द कैल्शियम सिग्नल ब्लॉकर. तो ये हमारा क्या है, एड्रेनोरिसेप्टर ब्लॉकर है. ये हमारा अल्फा 2 एगोनिस्ट है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है. ये हमारा एस इनहिबिटर है, और ये हमारा है CCB, ठीक. ये क्या है, एड्रिनो ब्लॉकर. तो जाहिर सी बात है ये पेरिफेरल. तो आंसर क्या होगा, क्लोनिडिन जो है आपका अल्फा 2 एगोनिस्ट है. अल्फा 2 एगोनिस्ट क्या करता है, अल्फा 2 एगोनिस्ट की बात करें तो ये होता है प्रीसिनेप्टिक होता है. यहाँ पे होता है अल्फा 2 जो कि सिंथेटिक रिलीज को इनहिबिट करता है ना. तो उससे क्या होगा, जो सिंथेटिक आउटफ्लो है वो रिड्यूस होगा, उससे जो हाइपरटेंशन या कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी है वो रिड्यूस होगी, उससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा. आंसर क्या होगा, बी क्लोनिडिन.
चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर फेस जीरो एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डिक मसल्स। तो कार्डिक मसल्स में इस तरीके से जो है हमारा होता है ना, तो फेस जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर। ठीक, ये आपका जीरो है, ये हमारा वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। फोर आपका रेस्टिंग है, जीरो आपका डीपोलराइजेशन है, वन आपका पार्शियल डीपोलराइजेशन है, टू आपका क्या है हमारा प्लेटिव फेज है या कॉन्ट्रैक्शन फेज है, थ्री हमारा रीपोलराइजेशन है। तो इस केस में सोडियम आयन की एंट्री होती है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। डिप्लोजन फेज ये होता है, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स ये भी होता है, रिप्लोजिंग फेज नहीं होता है, इनिशिएटिंग द इम्पल्स ये होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि ये आपका नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है एक्शन पोटेंशियल के बारे में भी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, विच इज़ नॉट ए सिम्पथोलाइटिक ड्रग। कौन सा जो ड्रग है सिम्पथोलाइटिक नहीं है। सिम्पथोलाइटिक ड्रग ऐसे होते हैं जो कि एल्फा या बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हों, है ना। मायोटिक कौन से होते हैं जो कि एगोनिस्ट हों, ये एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं। तो लिप्टलॉल ऑलरेडी एडेनोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है ना, आपका जो लिप्टलॉल है वो ब्लॉकर है, तो ये नहीं होगा। ये आपका एल्फा वन है, ये क्या है आपका एल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, ये क्या है हमारा एल्फा वन ब्लॉकर। बीटोस वन क्या है, बीटा टू ब्लॉकर, ये जो ड्रग है वो नहीं है। तो आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए ये क्या करता है, ये वेसिकल्स के रिलीज, जो आपका नर्व एंडिंग है जहाँ पे वेसिकल्स में कंटेंट होते हैं हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसके जो रिलीज है उसको इमिट करता है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पे, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजियोटेंसिन टू आर ट्रू एक्सेप्ट। तो एंजियोटेंसिन टू के केस में कौन सा जो है वो गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इट इज ए राइट हार्मोन, बिल्कुल सही आंसर है। एंजियोटेंसिन वन इज ऑलमोस्ट एज पोटेंट एज एंजियोटेंसिन टू। पोटेंट वैसे कंस्ट्रिक्टर ये होता है, स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन ये भी होता है। तो ये जो नहीं होता, जो एंजियोटेंसिन वन का जो पोटेंसी है वो बहुत ही कम होती है एंजियोटेंसिन टू के कंपेयर पे। आंसर क्या होना चाहिए, बी। बी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है अबाउट द एंजियोटेंसिन टू। आते हैं सिक्स पे, दिस ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद द ब्रोंकल अस्थमा। ब्रोंकल अस्थमा में क्या होता है, आपका जो ब्रोंकल जो ट्री है, आपका जो ब्रोंकल ट्री है वो होता है क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो बीटा टू एगोनिस्ट आपका रिलैक्सेंट है, तो बीटा टू ब्लॉकर जो बीटा टू रिसेप्टर को ब्लॉक करता हो वो एक तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो इनालापिन तो क्या है, एस इनहिबिटर है। निफिडिपिन क्या है, सीसीबी है, ये एस इनहिबिटर है। ठीक है, ये हमारा प्रोपेनॉल क्या है अल्फा, सॉरी ये हमारा है बीटा वन प्लस बीटा टू ब्लॉकर, ये क्या है हमारा अल्फा टू एगोनिस्ट है। आंसर क्या होगा, सी प्रोपेनॉल, क्योंकि इसमें बीटा वन के साथ बीटा टू ब्लॉकर भी प्रॉपर्टी होती है। अगर बीटा टू ब्लॉक हो जाएगा तो उस केस में आपका जो ब्रोंकल स्पाज्म है वो हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, तो अस्थमा पेशेंट के लिए वो डेंजर हो सकता है, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करते हैं आपके अस्थमा पे बीटा टू ब्लॉकर वाले ड्रग को, चाहे प्रोपेनॉल हो या कोई और ड्रग हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, विच ड्रग में प्रोड्यूस टैकीकार्डिया। अब टैकीकार्डिया कौन करता है, देखिए याद रखिए, जो हार्ट को स्टिमुलेट करता है तो करता ही है, बट अगर ऐसा कोई ड्रग है जो कि फोर्सफुली या पोटेंशियली आपके बीपी को कम कर दे, जो पोटेंट वेसो रिलैक्सेंट होते हैं या पोटेंट रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर वाले ड्रग होते हैं, तो ब्लड प्रेशर को शार्पली अगर रिड्यूस हो जाता है तो उस केस में कंपनसेटरी एक्शन के थ्रू आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है ताकि उस ब्लड प्रेशर की कमी को मेंटेन कर सके फिजियोलॉजिकली। ठीक है, तो वो उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स होते हैं टैकीकार्डिया, जो कि फोर्सफुली हाइपरटेंशन को कम कर दे। तो प्रोपेनॉल बीटा ब्लॉकर है तो ये तो करेगा नहीं, लोसर्टन भी नहीं करता है, इनालापिन भी नहीं करता है, जो निफिडिपिन है
जो हमारा लास्ट ड्रग है निफेडिपिन, निफेडिपिन क्या है, वेसो सेलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि फोर्सफुली हमारा ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, उसके कंपनसेटरी में रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन है आपका, चूज द ग्रुप ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच डिसमिस द मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रेडिकाइनिन। कौन सा इसमें से ड्रग है जो ब्रेडिकाइनिन के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, जो ब्रेडिकाइनिन है वो भी इस एंजाइम के थ्रू मेटाबलाइज्ड होते हैं। तो आर एस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर एस सिस्टम्स को आप पूरा एक बार जरूर पढ़िएगा। तो आंसर क्या होगा, एस एंजाइम है ना, इसमें आपको सोचने वाली बात नहीं है, आंसर एस एंजाइम ही होगा। मतलब एस इनहिबिटर है ना, तो कि एस एंजाइम मेटाबोलाइज करता है, तो एस इनहिबिटर क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को डिसमिस करेंगे या कम करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, रोल ऑफ द डायबिटिक्स इन हाइपरटेंशन। डायबिटिक्स का क्या रोल है हाइपरटेंशन में, तो इनहिबिट द एनर्जिक ट्रांसमिशन, रिड्यूस द ब्लड वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सोडियम आयन इन द लेवल इन द वेसल्स इंडोथेलियम, इनहिबिट द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एंड नन। जाहिर से बात है कि ये इस पर तो काम करता नहीं है। डायबिटिक्स क्या करता है, आपके जो यूरिन यूरिन आउटपुट है उसको इंक्रीज करता है, साथ में जो ब्लड वॉल्यूम को कम करता है, जो यूरिन के साथ में जो साल्ट है उसको बाहर निकालता है। तो आंसर क्या होगा, बी ही होगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टेक द डायबिटिक एजेंट हैविंग द पोटेंट एंड मैक्सिमल एंड रैपिड इफेक्ट। तो हाई सीलिंग डायबिटिक्स नाम से ही है, हाई सीलिंग या हाई एफिकेसी, तो उसमें आते हैं लूप डायबिटिक्स। तो लूप डायबिटिक्स में कौन से आते हैं, फ्रुसेमाइड वगैरह है ना, तो आंसर क्या होगा, ए ही होगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं। बाकी तो आपका स्माइल इलेक्ट्रॉन क्या है, पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स है। डाइक्लोरथायजाइड क्या है, थायजाइड्स है। इंडेपामाइड क्या है, थायजाइड लाइक डायबिटिक्स है। टिक द पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर, ऐसे ड्रग जो हैं पोटेशियम को एक्टिवेट करते हैं, तो इसमें निफेडिपिन तो सीसीबी है, नॉक्सीडिल और डाइजोक्साइड, ये दोनों ड्रग जो हैं हमारे पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं। तो आंसर क्या होगा, बी एंड सी। ठीक, चलिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरापामिल आर ट्रू एक्सेप्ट। कौन सा वेरापामिल के केस में सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, इट इज द ब्लॉक एल टाइप कैल्शियम, बिल्कुल सही है, ये आपको सीसीबी है, इंक्रीज द हार्ट रेट, इट रिलैक्स द कोरोनरी आर्टरीज मसल्स, ये भी सही है, इस डिप्रेस द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये भी सही है, इंक्रीज द हार्ट रेट, यार ऑलरेडी सी सी बी है, कैल्शियम को ब्लॉक करेगा तो हार्ट रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, नहीं होगा है ना, तो आंसर क्या होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, चूज द वेसोडायलेटर विच रिलीज द नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब ऐसा वेसोडायलेटर जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है, जितने भी नाइट्रेट्स क्लास के ड्रग हैं वो करते हैं, इसके अलावा नाइट्रोप्रोसाइड्स करते हैं, तो आंसर क्या होगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड्स, आंसर है आपका डी। इस केस में आंसर क्या होगा आपका, डी। Which of the following anti-angiogenic drug agent is myotropic coronary dilator? तो कौन सा anti-angiogenic drug है जो myotropic coronary dilators है, तो diopredamol, veridol, atenolol और elinidin। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, थेरेपेटिकली यूज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से diopredamol हो सकता है या कोई और हो सकता है, मेरे को ये आंसर एग्जैक्ट में मुझे नहीं पता है ना, आंसर क्या है, डायबिटामोल, हाँ एक्चुअली है, क्योंकि मैंने बनाया था शायद, मुझे याद था, तो आप ये पढ़ेंगे तो कई बार आपको याद हो जाता है, क्योंकि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन वाले पाथवे को जो हैं कम करते हैं, जो मायोट्रोपिक कोरोनरी डायटर्स हैं तो उसको ये रिलैक्स कर सकते हैं है ना। नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग एजेंट्स आर कार्डियो सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर,
लेबल्ड फॉर यूजिंग एंजाइना एसेप्ट, तो कौन सा इसमें से ड्रग एंजाइना में यूज नहीं करते हैं, या ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि बीटा वन को ब्लॉक नहीं करता है। क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप सब छोड़िए, आप देखिए सिलेक्टिव टाउन रिसेप्टर कौन सा नहीं है, है ना, मेटोप्रोलॉल, टेलनिलॉल, एडेनलॉल, प्रोपेनलॉल। तो प्रोपेनलॉल क्या है, बीटा वन प्लस बीटा टू दोनों है, है ना, इसमें क्या है सिलेक्टिव लिखा है ना, तो वो तो है नहीं। आंसर क्या होगा, डी ही होगा, जाहिर सी बात है। द ड्रग यूज इन हाइपोटेंसिव शॉक, हाइपोटेंसिव शॉक में क्या होता है, आपका बीपी कम हो जाता है, तो उसमें हम प्रेशर एजेंट्स जो हैं जो बीपी को बढ़ाते हैं वो ड्रग यूज करते हैं, जैसे कि बात करें नॉरएड्रेनालिन हो, फेंटोलामिन हो, है ना, नॉक्सीबेंजिन हो, इस तरीके से करते हैं। तो इसमें क्या आंसर है, नॉरएड्रेनालिन ऑलरेडी है तो नॉरएड्रेनालिन यूज करेंगे, जाहिर सी बात है ए होगा इसका आंसर। इंडिकेट द वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ इंडोजीनियस ओरिजिन, कौन सा ड्रग जो है जो हमारे बॉडी के अंदर पे ही है जो कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, जैसे कि बात करें एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 इज द पोटेंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ऑलरेडी पता है हमको, है ना। तो एपिनेफ्रिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, जाइमेटाजोलिन और इंडोथेलिन। तो एपिनेफ्रिन क्या है, आपका पोटेंट नहीं है, है ना, ये एक तरीके से एपिनेफ्रिन जो है मेनली आपके हार्ट के लिए काम करता है, साथ में सेल्स भी काम करते हैं, बट ये बीटा टू के थ्रू रिलैक्स भी करता है और अल्फा वन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। लेकिन पोटेंशियली बात करें, इंडोथेलिन इज द ड्रग, इंडोथेलिन का काम ही है जो कि ईटी रिसेप्टर्स पे काम करता है और वो पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज राइट अबाउट डिजिटालिस, चलिए बताइए आप डिजिटालिस के केस में क्या आपका सेंटेंस सही है, ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। सोडियम पोटेशियम ब्लॉकर बिल्कुल सही है, पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग ये भी सही है, इट कॉज द हाइपोकैलेमिया ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, डी ऑल ही होगा इसका आंसर, क्योंकि सारे आंसर जो हैं सही हैं। टिक द नॉन ग्लाइकोसाइड पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग, कौन सा नॉन ग्लाइकोसाइड पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग है, तो जाहिर सी बात है डिजिटॉक्सिन, डिगोक्सिन और एस्ट्रोपेंथिन, दीज आर द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो आपको जो है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ये भी आपको मालूम चल गया, ये क्या है, ये ड्रग है डोपामिन, है ना, तो ये ही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 20 पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेड एट द इनिशियल स्टेज ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट विद द हार्ट फेलियर एक्सेप्ट, हार्ट फेलियर के केस में कौन सा हम इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, साल्ट इनटेक, विरापोमिल, एसिटोडायोटिक्स। तो मेरे ख्याल से हम यूज नहीं करेंगे इस पे विरापोमिल। अब क्यों, विरापोमिल क्या है, कार्डियो सेलेक्टिव कैल्शियम ब्लॉकर है। CHF में हार्ट फेलियर में हमारा मेन मोटो है कि हमारा हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, कार्डियक एक्टिविटी है, वो इन्हेंस हो, पंपिंग कैपेसिटी इन्हेंस हो। अगर हम उसमें कैल्शियम को ब्लॉक कर देंगे तो आपका कैल्शियम कम हो जाएगा हार्ट में, तो फोर्सफुली प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन, तो इसलिए हम लोग CCB यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के सोचना है आपको, आपको सोचने की जो कैपेसिटी है फार्माकोलॉजी में वो बढ़ानी है, आपके मोड ऑफ एक्शन के बेस पे आपको सोचना है कि क्या ये सब चीज़ें हो रही हैं, तभी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनहिबिटर्स ऑफ टाइप 3 फास्फोडाइस्टरेस आर ट्रू, फास्फोडाइस्टरेस 3 इनहिबिशन के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो फास्फोडाइस्टरेस 3 एंजाइम जो हैं क्या करते हैं, पहले वो समझिए, आपका जो साइक्लिक एमपी है या साइक्लिक जीएमपी है, साइक्लिक एमपी या साइक्लिक जीएमपी है, ये जो हैं फास्फोडाइस्टरेस एंजाइम के थ्रू क्या होते हैं, इनएक्टिवेट होते हैं। तो इसको हम ब्लॉक कर देंगे तो इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इनकी एक्टिविटी हमको मिलेगी। दे रेज साइक्लिक एमपी कंडेंसेशन इन कार्डियक मसल्स, बिल्कुल सही है। दे रिड्यूस द आफ्टर लोड, ये भी सही है ना।
दिस शो द सिग्निफिकेंट क्रॉस टॉलरेंस विद द बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये क्रॉस रेजिस्टेंस क्रॉस टॉलरेंस कर सकता है क्या? बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या है? बीटा वन ये भी आपका जो है क्या है, बढ़ाएगा, है ना, एगोनिस्ट है तो एक्टिविटी को। दे आर विद द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ कार्डिक अरिथमिया। अब इसमें जो है कार्डिक अरिथमिया भी हो सकता है, तो आंसर क्या है आपका? सी ही है मेरे ख्याल से, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जाहिर सी बात है कार्डिक अरिथमिया होगा ना, कार्डिक एक्टिविटी बढ़ाएगा। हम फास्फोडाइस्टेरेस 3 इनहिबिटर्स को इनोडाइल्टर भी बोलते हैं, जिसमें आते हैं एम्ब्रिनोन, मिलरिनोन, है ना, ये इनोडाइल्टर हैं। तो ये पॉजिटिव एनोट्रोपिक ड्रग हैं जिससे हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और प्लस आपके वैसोडाइल्टर भी हैं, याद रखिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। आर द फॉलोइंग इफेक्ट अब एस इनहिबिटर मे बी यूज फॉर ट्रीटमेंट हार्ट फेलियर एक्सेप्ट। तो एस इनहिबिटर का यूज़ हार्ट फेलियर में हम लोग करते हैं, जरूर करते हैं, है ना, लेकिन कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है इस पर? दे डिक्रीज द अपलोड, ये करता है बिल्कुल। दे इंक्रीज द सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन लेवल, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। रिड्यूस द रिएक्टिव मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, ये बिल्कुल सही है। दे इंक्रीज द मायोकार्डियल बीटा वन रिसेप्टर डेंसिटी, इंक्रीज द मायोकार्डियल बीटा वन रिसेप्टर डेंसिटी, ये गलत है, ये भी सही है ना, एक सेकेंड, रॉन्ग बोल ना, इन दोनों में से एक होगा, है ना। दे इंक्रीज सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन लेवल, एस इनहिबिटर देंगे तो कैटेकोलामिन लेवल कम होता है, एक्चुअली कम होता है ना, मेरे ख्याल से कम होता है, तो हाँ ठीक, ये बढ़ता नहीं है, कम होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता नहीं है इसके बारे में, तो आपको अगर ये पता है कि ये जो कैटेकोलामिन लेवल है वो कम होता है, एंजियोटेंसिन 2 की वजह से जो कैटेकोलामिन का आउटफ्लो है वो बढ़ जाता है, तो अगर हम लोग एस इनहिबिटर देंगे तो कम होगा, जाहिर सी बात है, अब लिखा है इंक्रीज लिखा है, तो जो कि गलत होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका है 23 जाते हैं। दिस ड्रग इज ए क्लास सी एंटी अरिथमिक ड्रग, तो आप याद रखिए जो भी आपका अरिथमिया का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है कि क्लास वन क्या है, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, क्लास वन में भी क्लास वन ए, क्लास वन बी, क्लास वन सी, तीन टाइप के हैं, तो उनको आप याद रखिए तो कि आपके लिए ईजी होगा, है ना। तो आंसर इसका मेरे ख्याल से ए है, ठीक है। दिस ड्रग प्रोलॉन्ग्स रिपोलाइजेशन, तो आपका जो क्या है ऐसा होता ना, तो इस फेस को या पोटेशियम चैनल की ओपनिंग को इंक्रीज करे, मतलब पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर या ब्लॉकर है ना, ओपनिंग को ब्लॉक करे ताकि प्रोलॉन्ग हो, आराम से हो, धीरे धीरे हो, तो आपका जो है फ्लेकेनाइड, सेटोलॉल, लिडोकेन, रोमेल, इसमें जो आंसर है मेरे ख्याल से सेटोलॉल हो सकता है, क्योंकि ये बीटा पे काम करता है, और साथ में आपका स्टेज नंबर 3 या कैल्शियम चैनल पे भी पोटेशियम की भी जो एक्टिविटी है उसको कर सकता है, तो आंसर देख लेते हैं इसका, ठीक सही हूँ मैं, क्योंकि आप देखिएगा अरिथमिया का मैं जो पढ़ाया था उसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि कोई ना कोई ड्रग ना है दूसरे पे इफेक्ट करता है, तो छोटा लाल है उस पे करता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एस इनहिबिटर इज नॉट ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? रेमिप्रिल, इनालाप्रिल, पेनरप्रिल, लिनसोप्रिल, इनाला सब सारे प्रोडक्ट हैं, इनालाप्रिल जो है वो बेसिकली नहीं है, है ना, इनालाप्रिलेट होता है एक्चुअली। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, 26 पे। डिजिटालिस टॉक्सिटी इज इन्हेंस्ड बाय को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, डिजिटालिस टॉक्सिटी इन्हेंस कब होगी? जब साथ में ऐसे ड्रग देंगे जिसका जो मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होगा, ठीक है। तो पोटेशियम दे सकते हैं क्योंकि हाइपोकैलेमिया में होता है तो कोई इशू नहीं है। क्यूनिडीन, तो बात करें क्यूनिडीन की, तो क्यूनिडीन के थ्रू भी आपके जो हार्ट रेट की एक्टिविटी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, तो उस वजह से हम क्यूनिडीन को नहीं देंगे, है ना। विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट डायबिटिक्स फॉर द ट्रीटिंग एक्यूट पल्मोनरी इडिमा, एक्यूट पल्मोनरी इडिमा के केस में आपके ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसमें हम लोग पोटेंशियली हाई सीलिंग डायबिटिक्स यूज करते हैं लाइक फ्रिसेमाइड वगैरह, तो हम लोग लूप डायबिटिक ही यूज करेंगे, ठीक।
इंडिकेट द ड्रग बिलोंगिंग टू द एंजियो एंटागोनिस्ट ऑफ हीपेरिन। हीपेरिन का एंटागोनिस्ट क्या है? तो मेरे ख्याल से पोटामिन सल्फेट हम यूज़ करते हैं एज एंटागोनिस्ट उसके एंटीडोट के रूप में। अगर आपका हीपेरिन जो है बढ़ जाए, हीपेरिन का अगर आपको टॉक्सिटी हो गया है तो हम लोग शायद ये यूज़ करते हैं, है ना, तो उसका एंटागोनिस्ट है वो। फॉर द डिजिटालिस इंड्यूस अरिथमिया, डिजिटालिस की वजह से अरिथमिया होता है, वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम होता है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग मेरे ख्याल से लिडोकेन हम लोग यूज़ करते हैं शायद। हाँ बिल्कुल सही है, ये एक्चुअली याद करने वाला है, आप जब नोट्स मेरे पढ़ेंगे तो नोट्स में ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें लिखा हुआ है कि डिजिटालिस इंड्यूस अरिथमिया से के केस में हम लोग क्या क्या ड्रग यूज़ कर सकते हैं, है ना। विच ड्रग इज़ यूज एस एंटी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी, एक ही ड्रग है मिथाइलडोपा जो कि बहुत ही कॉमनली फ्रिक्वेंटली हम लोग पढ़ते हैं बोलते हैं, है ना। दिस ड्रग इंक्रीजेस लिपोप्रोटीन लाइपेस, एलपीएल एक्टिविटी को कौन करता है इसमें? मेरे ख्याल से जो है आपका जेमफिप्रोजिल हो सकता है ना, क्योंकि आपको जस्ट याद रखिए मोड ऑफ एक्शन साइड ड्रग का तो आपको मिल जाएगा आंसर। विच डायबिटिक हैज एंटी एड्रेनर्जिक इफेक्ट एंड सॉरी एंटी एड्रोजेनिक इफेक्ट, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट में आपका गायनेकोमेस्टिया जो साइड इफेक्ट्स हैं वो होते हैं जो कि आपके पोटेशियम चैनल सॉरी पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स में जो स्पॉन्डिलेक्टोन्स हैं उसके थ्रू होता है। तो आंसर क्या होगा? स्पॉन्डिलेक्टोन्स ही होगा, डी। तो आपको चीज़ें पता है ना तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा आपको, है ना, आपको ऑब्जेक्टिव ढंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वारफेरिन अफेक्ट सिंथेसिस ऑफ क्लास 2, 7, 9, 10, मेरे ख्याल से आल होगा आंसर, आल मान लेते हैं। तो जो आपका देखिए साइट को प्रोसीजर देखिए आपका कैसे वो कॉगुलेशन पाथवे है उसको। विच इज राइट अबाउट क्लोप्लेटिक ट्रेल, क्लोप्लेटिक ट्रेल एक तरह से प्लेटलेट एग्रीगेशन में कन्वर्ट करता है जो कि एडीपी डिपेंडेंट पे काम करता है, तो आपका जो है एडीपी डिपेंडेंट वाले पाथवे पे काम करता है जबकि कॉक्स जो है वो एस्पिरिन काम करता है ना। एस्टाजोलामाइड कैन बी यूज इन डायबिटिक्स ग्लूकोमा बोथ, ये आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इनहिबिटर है, हम दोनों जगह पढ़ते हैं इसको, है ना। मेजर रोल ऑफ एडीएच वेसोप्रोसिन, एंटी डायबिटिक हार्मोन जो कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर इनहेंस द वाटर एवरी एब्जॉर्प्शन, एंटी डायबिटिक मतलब डायबिटिक्स कम करने वाला, तो ये सही है, ये सही है, तो ऑल ही होगा मेरे ख्याल से। विच इज ए हिमेटेनिक्स मतलब ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स जो कि आयरन फोलिक एसिड विटामिन B12 सारे हैं, आंसर क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाइपरटेंसिव पेशेंट रिसीव ड्रग वाई विच इफेक्ट इज एबोलिस्ड बाई ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अब आप वाई को भूल जाइए, पहले आप सोचिए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का क्या रोल है हमारे हाइपरटेंशन के केस में या कहाँ पे हम लोग पढ़े थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग पढ़े थे ट्रांसमिशन वगैरह तो उसमें हमने देखा था कि जो आपका NET है, क्या है NET या नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर या रिअपटेक जो सिस्टम है जो कि जो नॉरएडिन रिलीज हुआ है उसको अपटेक करेगा। तो अगर हम जो हैं अब देखिए अब इसमें देखिए एडिनोल सब काम करते हैं किस पे, जो क्लोनिडिन है क्लोनिडिन क्या करता है काम आपके अल्फा 2 पे करता है, अल्फा 2 की वजह से रिलीज जो है कम होगा, कुछ तो होगा। इसके अलावा वो रिअपटेक भी करते हैं, जो अल्फा 2 है वो रिलीज को कम करेगा प्लस जो रिअपटेक है उसको बढ़ाएगा। अगर हम ग्वानोथ्रिडिन दे देंगे आपका जो ये TCS दे देंगे सॉरी TRC दे देंगे इंप्लीमेंट वगैरह तो ये जो है ब्लॉक हो जाएगा, तो इससे जो इफेक्ट आपको बढ़ेगा, तो आंसर क्लोनिडिन ही है इसका। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इन ECG पी वेव रिप्रेजेंट, ECG देखिए क्या होता है, कैसे इसका PQRST वेव होते हैं, क्या उनके मीनिंग्स हैं, तो इसमें होता है आर्टेल डीपोलराइजेशन आपका आंसर है इसका। तो आप जो हैं ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये आप जरूर देखिएगा कि पी वेव में क्या होता है, QRST में क्या होता है, टी वेव में क्या होता है ना, ताकि आपको क्वेश्चन बने। तो सारे नोट्स हैं मेरे नोट्स में दिए गया है, और ऐसा नहीं है ये जो क्वेश्चन है ना ये खासकर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैंने अभी जो रिसेंटली आपका GPET 2023 में आया हुआ क्वेश्चंस हैं,
जो भी क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, तो इसमें जीपेट जो आए हैं क्वेश्चंस ऑलरेडी, उसको भी मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो उसको मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इजी आते हैं, कोई टफ नहीं आता है, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली सबको पढ़ा है तो। सो दिस आर द बेसिक्स अबाउट द कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी एमसीक्यूज। इसके लिए बहुत सारे और एमसीक्यूज बनते हैं, आप थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए, और बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एमसीक्यू सॉल्व करने का जो मेन मोटो ये रहता है कि एमसीक्यू जब आप सॉल्व करते हो तो आप सोचते हो, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है इन्हेंस होती है ना। ऐसा नहीं कि आप एमसीक्यू देखिए, याद है तो मार दी, नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, या फिर आंसर देखिए और राइट टैक कर लीजिए, ऐसा नहीं है। फार्माकोलॉजी में आपको चीज़ों को लिंक करना आना चाहिए। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स फॉर द कमिंग वीडियोज, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ताकि वीडियो मैं आगे बनाते रहूँ। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।